चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज भगवान का नाम लो, बिल्कुल शांति के साथ इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बीच में जाके। स्टार्टिंग से अगर आपने इस चैप्टर को पकड़ लिया तो फिर चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन चैप्टर आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे सीए फाउंडेशन करोगे, चाहे बीकॉम करोगे, ये चैप्टर आपका साथ चलेगा। ये चैप्टर लास्ट तक आपके साथ है, बीकॉम फाइनल ईयर ये साथ चलेगा। इसलिए अच्छा चैप्टर है पढ़ने के लिए, धीरे धीरे पढ़ना। अभी सुनो, बातें बिल्कुल बंद करो, बिल्कुल शांति के साथ चैप्टर को सुनना। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनपीओ की अकाउंटिंग। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो पीओ की अकाउंटिंग पढ़ी, मतलब वो कंपनियां जो प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, चाहे वो सोल प्रोप्रेटरशिप थी 11th क्लास के अंदर, चाहे वो हमारे पास 11th क्लास के बाद 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप आई, 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप आई तब भी हमने वही सेम चीज पढ़ी। वो सारी पार्टनरशिप का मेन एम क्या था? प्रॉफिट कमाना। वो भी प्रॉफिट कंपनियां कमाती थी। और फिर जब बारी आई अब कंपनी अकाउंट की पढ़ने की, हमने जो कैश फ्लो पढ़ा वो कंपनी का भी मेन टारगेट होता है टू अर्न द प्रॉफिट। लेकिन हम 12वीं क्लास में तीन तरह के अकाउंटिंग सीखते हैं, तीन तरह, एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग, दूसरा कंपनी अकाउंटिंग और तीसरा एनपीओ अकाउंटिंग। अगर कल आप किसी ऐसी कंपनी में काम करो, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो जिसका मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना ना हो, तो फिर उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करोगे, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आप मेंटेन करोगे, वो सारी बातें आपको इस छोटे से चैप्टर में सिखाई जाती है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, एक पीओ में और एनपीओ में बहुत बड़ा फर्क है। पीओ का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, एनपीओ का मेन मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, प्रॉफिट नहीं कमाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमाता, ये बात दिमाग में डाल लेना, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, मैंने भी आपको कहा, ठीक है जी। एनपीओ का मेन मकसद होता है लोगों की सेवा करना, प्रॉफिट नहीं कमाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमाता, एनपीओ प्रॉफिट कमाता है, एनपीओ भी प्रॉफिट कमा सकता है, उसको प्रॉफिट कमाने में कोई मनाही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अरे गुरुद्वारा देखा है आपने? ये गली में गुरुद्वारा देखा है? इसके नीचे कम से कम 6-7 दुकानें जो किराए पे दी हुई है, वो सारा पैसा जो है गुरुद्वारे की इनकम है। देखा, वो डोनेशन जो लोग देते हैं वो सब क्या है? वो गुरुद्वारे की इनकम है, उसमें से पैसा बचता है। ये नहीं कि सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क एक है, पीओ का मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, इसका मेन मकसद है लोगों की सेवा करना, लेकिन प्रॉफिट ये भी कमाता है, बस प्रॉफिट के नाम से शो नहीं करता। ये प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से शो नहीं करता, ये प्रॉफिट को सरप्लस के नाम से शो करते हैं। किस नाम से? सरप्लस के नाम से। और दूसरा बड़ा रीजन, वो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। याद है आपको, बनाया ना आपने 11th क्लास में, बनाया ना 11th क्लास में आपने। लेकिन यहां प्रॉफिट नहीं निकाला जाता क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, हम प्रॉफिट का शब्द यूज ही नहीं करते, तो फिर हम यहां बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम प्रॉफिट नाम ही यूज नहीं करते तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सुनो मेरी बात, अब इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना, इनका मेन मकसद सोशल वेलफेयर। ये प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन प्रॉफिट के नाम से दिखाते नहीं, सरप्लस के नाम से दिखाते हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। मेरी बात समझ? अब देखो तीसरा डिफरेंस, दो बड़ी बातें हो गई। तीसरी बड़ी बात, वह जो प्रॉफिट होता है उसमें पीओ के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा, चाहे वो सोल प्रोप्रेटर थी, चाहे वो पार्टनरशिप था, चाहे वो कंपनी क्यों ना हो, वहां जो भी प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा। अगर सोल प्रोवाइडर है तो अकेला मालिक लेके जाएगा, उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। 11th क्लास में आपने बहुत बार किया था, याद है आपको। फिर जब पार्टनरशिप आई तो उसके बाद आपने क्या बनाया? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ना आपने, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर कंपनीज अकाउंट के अंदर जब प्रॉफिट हो तो आपने क्या किया? डिविडेंड में बांट दिया। बहुत कुछ करोगे अभी आप, आगे थोड़ा सा काम उसमें बाकी है। लेकिन यहां जब कभी भी प्रॉफिट होता है, वैसे तो प्रॉफिट होता नहीं, सरप्लस होता है, जब कभी भी सरप्लस होता है उसे बांटा नहीं जाता, उसे बांटा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहां कोई ऑनर नहीं होता, एनपीओ में कोई ऑनर नहीं होता, एनपीओ के अंदर कोई भी ऑनर नहीं होता, 1, 2, 10, 20, 50 ऑनर्स नहीं होते, यहां मेंबर्स होते हैं, यहां पे प्रॉफिट को बांटा नहीं जाता। आई मेरी बात समझ में आपको? जो सरप्लस हम दिखाते हैं उसको बांटते नहीं है, उसको आगे एक्सपेंशन के लिए
जैसे गुरुद्वारे की एक दुकान और परचेज कर ली, सामने वाला प्लाट एक और परचेज कर लिया, ऊपर एक रूम और बना दिया, इन कामों के लिए पैसे को खर्च किया जाता है। आई मेरी बात समझ आ, बांटा नहीं जाता, बांटा नहीं जाता। अब देखो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पीए होती है, चौथा डिफरेंस बता रहा हूँ फोर्थ वाला, जो पीए होती है उनको या तो एक आदमी स्टार्ट करेगा, अगर एक आदमी स्टार्ट करेगा तो क्या बोलोगे, और वो जो पैसा लेके आएगा उसको क्या बोलोगे? ओके, अगर पार्टनर्स होंगे तो वो क्या करेंगे, दो या तीन पार्टनर्स होंगे तो वो स्टार्ट करेंगे, जो पैसा लेके आएंगे तो क्या बोलोगे, पार्टनर्स कैपिटल, बोलते ना एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सी कैपिटल। अच्छा, अगर कंपनी है और मान लो 200 लोग हैं कंपनी के अंदर, अगर 200 लोग पैसा डालेंगे तो उसे क्या बोलोगे, शेयर कैपिटल। अभी करा ना आपने पीछे कैश फ्लो शेयर कैपिटल। यहां कोई भी पैसा डाल के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि ये बिजनेस है ही नहीं। जब कोई पैसा लगाता ही नहीं, जब कोई पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं करता, तो फिर यहां कैपिटल भी नहीं होती। मेरी बात समझे आप? अरे वहां एक आदमी ने पैसा लगाया, आपने कहा था मनी इन्वेस्टमेंट ऑनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, हो गई बात करता। पार्टनर्स ने पैसा लगाया तो आपने कहा पार्टनर्स कैपिटल। कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया तो आपने बोला शेयर होल्डर्स कैपिटल। यहां कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, यहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता, यहां तो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स वो दान देते हैं, फिर मेंबर्स मिलके ही उसको चलाते हैं। जैसे एक गुरुद्वारे का बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो, मंदिर का एग्जांपल आप बहुत अच्छा ले सकते हो। यहां कोई ऑनर नहीं है, कभी सोचा आपने गुरुद्वारे में कोई ऑनर है, कभी किसी मंदिर में कोई ऑनर देखा आपने, ये मालिक है इस मंदिर का, कभी सोचा आपने? क्या बोलते हैं, ट्रस्टी है, ये मेंबर है, यही बोलते हैं। तो यहां कुछ लोग मिलके पैसा लगा देते हैं, काम शुरू नहीं करते, मतलब लोगों के भले के लिए, तो इसलिए उसको कैपिटल नहीं बोलते। तो फिर क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। सर वहां प्रॉफिट होता है तो हम बोलते हैं प्रॉफिट हुआ, यहां प्रॉफिट नहीं बोलते, यहां सरप्लस बोलते हैं। अगर लॉस हो जाए तो, मतलब अगर खर्चा ज्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, लॉस। तो यहां क्या बोलते हैं मालूम, डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। ठीक है जी, तो ये पांच बातें मैंने आपको भी समझाई, एक पीओ के अंदर एक एनपीओ के अंदर क्या डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। हमने जो भी अभी तक लाइफ में पढ़ा, 11th क्लास जब से हमने अकाउंटिंग सीखनी स्टार्ट की थी, आज की तारीख तक जो भी आपने पढ़ा, वो सब आपने एक पीओ के बारे में पढ़ा। कौन सी कंपनी, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है जी, जो भी आपने अभी तक पढ़ा वो आपने किसके बारे में पढ़ा, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं एनपीओ के बारे में। ठीक है जी, ये पांच बड़े बड़े डिफरेंस आपको, और सुनो इन्हीं पांच डिफरेंस के अंदर से दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। ये जो पांच डिफरेंस आप पढ़ रहे हो, इन्हीं पांच डिफरेंस के अंदर से दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। आज आप पढ़ो जल्दी आपको, इन्हीं पांच डिफरेंस के अंदर से आपको दो क्वेश्चन पक्का आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है जी, अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ फटाफट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन is also known as non-profit organization, दोनों एक ही नाम है। Not for profit organization is also known as non-profit organization. It is an organization set up to promote cultural, educational, religious, professional और पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव्स। पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव, पॉइंट नंबर टू,
पॉइंट में लिख लो आसानी से याद आ जाएगी। इट्स एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इट्स एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, हाउएवर इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। द मेन कैरेक्टरिस्टिक द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट नंबर तीन में डाल लो, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट एनपीओ फ्रॉम अदर, एनपीओ फ्रॉम अदर इज दैट इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, दैट इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। To its members, ठीक है जी। पॉइंट नंबर फोर, द फंड्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ऑपरेशंस are provided by its members and trustees and any other person. अभी मंदिर में भंडारा हो, गुरुद्वारे में लंगर हो, तो कोई भी आदमी जाके दान दे सकता है और काम शुरू करवा सकता है ना। कोई मना ही नहीं होती कि आपने दान क्यों दिया और किसने दान दिया। पर्ची जाओ तो पर्ची कट जाएगी, नहीं चाहोगे तो नहीं कटेगी, है ना। कोई भी ऑपरेशन अगर स्टार्ट करना है एनपीओ का, तो फिर उसके लिए जो लोग होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, जो मेंबर होते हैं, कोई भी एनी अदर पर्सन है, वो दान दे सकता है और काम शुरू हो सकता है। आगे लिखो फटाफट जल्दी से, its main source of income या नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, इट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम इज, बोलो क्या इनकम का मेन सोर्स होता होगा, आप बताओ। एक एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता होगा? डोनेशंस लिखो, डोनेशंस कॉमा सब्सक्रिप्शंस कॉमा मेंबरशिप फीस ईटीसी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, एनपीओ कैन आल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, एनपीओ कैन आल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये सब बातें जो आप पॉइंट में लिख रहे हो, बिलीव मी इसके अंदर से दो क्वेश्चन का पेपर में नहीं आया, तो मुझे बोला सर नहीं दिया आपने, सब लिखवा दिया, टाइम वेस्ट करवा दिया। दो क्वेश्चन इन्हीं लाइनों में से, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन, सारे चैप्टर का निचोड़ है ये पूरे चैप्टर का निचोड़ जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और जो मैंने आपको पांच बातें, पांच बड़े डिफरेंस बताए एक एनपीओ के बीच में और पीओ के बीच में। और लास्ट लिखो आप, जो पेपर में आता है लिखो लास्ट, और लिखना साइन करके इंपॉर्टेंट, तो लिखो जल्दी से, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज, नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एंटरप्राइज।
अब इतना हुआ तो फिर इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख लो. फॉर एग्जांपल्स कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गुरुद्वारास, मंदिर, ये सब क्लब्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनपीओ. आपका स्कूल भी एक एनपीओ है. और मालूम है एक देश की गवर्नमेंट भी एक एनपीओ होती है. एक देश की गवर्नमेंट भी एनपीओ होती है, मालूम है? एक देश की गवर्नमेंट भी एनपीओ होती है. अगर आपको विश्वास ना हो तो गवर्नमेंट बजट का चैप्टर याद करके देखो. गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में आपने क्या बनाया था मालूम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते एक गवर्नमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता. हाँ, लेकिन गवर्नमेंट भी प्रॉफिट कमा सकती है और कमाती भी है, लेकिन उसका मेन मकसद है लोगों की सेवा करना. एक गवर्नमेंट भी, एक देश की गवर्नमेंट भी एनपीओ होती है, ठीक है, लोगों के लिए. तो ये एनपीओ के सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं. ये सब एनपीओ के एग्जांपल्स हैं. ये कौन से स्कूल जहां आप पढ़ते हो, ये कॉलेज, ये हॉस्पिटल, ये गुरुद्वारे, ये मंदिर, ये क्लब, ये सब एनपीओ. हाँ, जितने भी क्लब्स आप देखते हो सब एनपीओ है. लेकिन अब आप कहोगे सर हमारे स्कूल में 6000 बच्चे पढ़ते हैं, वो इतना प्रॉफिट कमाता होगा, इतने पैसे कमाते हैं. बिल्कुल कमाते, बिल्कुल कमाते हैं, मना नहीं है पैसे कमाते, लेकिन वो प्रॉफिट कोई घर लेके नहीं जाता. वो एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ट्रस्टीज होंगे. वो क्या करेंगे? अभी नया स्कूल बन रहा है आर्मी स्कूल, यहाँ पे देखा आपने? 160 स्कूल है आर्मी स्कूल के अंदर, जो आपकी वो कौन सी है वो है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स एन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी. तो इस तरीके से पैसे को आगे बढ़ा दिया जाता है, मतलब आगे इन्वेस्ट कर दिया जाता है. अब सुनो मेरी बात इधर. अब ये तो भी दो बातें हमने सीख ली आज. एक, एनपीओ के बारे में सारी हिस्ट्री हमने पढ़ ली, ये जो मेन पॉइंट हमने लिखे 6-7 पॉइंट. और दूसरा, मैंने डिफरेंस भी बता दी आपको वर्बली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीओ एंड एनपीओ, जिसमें बड़ी बड़ी बातें ये थी कि पीओ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट. उसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना. एनपीओ के अंदर बनाया जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैलकुलेट किया जाता है क्या, सरप्लस या फिर डेफिसिट. और इसका मेन एम होता है लोगों की सेवा करना. वहां पे लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, या तो सिंगल बिजनेस, या तो पार्टनरशिप, या तो कंपनी. उसे हम कैपिटल बोलते हैं, आइदर कैपिटल, आइदर पार्टनर्स कैपिटल, आइदर शेयर कैपिटल. यहां हम कैपिटल वर्ड का यूज ही नहीं करते, हम कैपिटल फंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड. बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं मैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बताई इसके अंदर, जो मेन बात दिमाग में रखनी है, ठीक है जी. उसके बाद अब बारी आती है अकाउंट्स मेंटेन करने की. अब बारी आती है कि कौन कितने अकाउंट्स मेंटेन करता है. मालूम है आपको हमारे यहाँ पीओ के अंदर 3 मेन अकाउंट मेंटेन होते हैं. कौन कौन से? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस. हम ये 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं ना पीओ में, अभी तक करते आ रहे हो ना. और जब पार्टनरशिप आई तब भी आपने यही काम किया, तब भी आपने यही काम किया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन था, आपने एप्रोप्रिएशन बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई. अकाउंट तो 3 ही थे, वो तो बीच में आपने 2 अकाउंट ऐड कर दिए, एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट. अदरवाइज मेन तो वही था. लेकिन एक एनपीओ के अंदर भी हम 3 अकाउंट बनाते हैं, लेकिन कौन से 3 अकाउंट? तो सबसे पहला लिखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सबसे पहला अकाउंट जो बनाते हैं एनपीओ के अंदर वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है. ये पहला अकाउंट मेंटेन करते हैं इसके अंदर. देखो नाम से पता है यार, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होगा बताओ? पैसे का आना और जाना है ना, पैसे का आना, रिसीप्ट और पेमेंट. फाइन, तो दो. दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है. और तीसरा हम बनाते हैं इसके अंदर बैलेंस शीट. हम 3 ही अकाउंट मेंटेन करते हैं. जैसे वहां 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं, वैसे यहां भी हम 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है जी. अब सुनो मेरी बात, ये बहुत सिंपल है समझने में, देखना कितना सिंपल है. हमें अक्सर हमेशा पेपर में गिवन होता है, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर को आते हुए सिर्फ 3 ही साल हुए हैं अभी तक, तो मालूम है पहली बार में क्या हुआ था. हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया गया था. और हम बच्चों ने, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को बच्चों को पढ़ाया 10 क्लास के बच्चों को,
हमने सोचा भी नहीं था कि बुक का पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा। हमने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की थी और बहुत डेप्थ में जाके तैयारी की थी, लेकिन पेपर में क्या आया, प्रिपेयर रिसीप्ट से पेमेंट अकाउंट, जिसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं था। एक ही क्वेश्चन बुक में ऐसा है, वेयर वी हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, अदरवाइज दिस अकाउंट इज ऑलवेज गिवन एंड वी हैव टू प्रिपेयर दिस टू। इसलिए गौर से सुनना, जब हम इसको बनाएंगे तो गौर से सुनना, ठीक है जी। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ कैश बुक, आई कैन से 100% 110% और बोलो, डुप्लीकेट में ज्यादा निकल गए, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ कैश बुक लिख लो आप, इट इज एग्जैक्टली कैश बुक। सर इसका नाम फिर कैश बुक क्यों नहीं रखा, पता है क्यों, मालूम है क्यों? इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, बनाने में फर्क नहीं है, इन दोनों में एक ही फर्क है, सिर्फ एक डिफरेंस मालूम, ये बनती है आदर वीकली बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, ये बनती है ईयरली बेसिस। वी प्रिपेयर द कैश बुक आदर ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, बट वी प्रिपेयर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द कैश। एक नंबर का क्वेश्चन पहले बोलता हूँ, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी आती है 3 से 4 नंबर, ये वही चल रही है अभी तक। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक दोनों एक जैसे ही हैं, बिल्कुल एक जैसे। बोलो बताओ कैश बुक का नेचर क्या होता है, कैश बुक का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है कैश बुक, कैश के बढ़ने को क्या करते हो और घटने को, बिल्कुल सेम यही है। इसके अंदर भी जब पैसा आएगा तो हम डेबिट करेंगे, पैसा जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे, एक्सैक्टली सेम नेचर, सेम नेचर। तो हम कह सकते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक दोनों का सेम नेचर है, और कौन सा नेचर है, अगर हम अकाउंट के हिसाब से करें तो ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट, ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट, 11th क्लास में थोड़ा सा हमने पढ़ा था इसके बारे में, ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट, ठीक है जी। आ जाओ फिर बारी आई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसकी बारी आई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सुनो मेरी बात, ये 100% डुप्लीकेट कॉपी होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट्स 100% डुप्लीकेट कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिल्कुल वही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप डेबिट साइड में क्या लिखते थे और क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सेम ऐसे ही करोगे, 100% सेम वैसे ही करोगे जैसे वहां मेंटेन करते थे। और कौन सा नेचर होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बस इसका भी नॉमिनल है जी, अब मुझे बताओ क्या नया सीखेंगे। अरे ये लोगों ने इस चैप्टर को ऐसे घुमा घुमा के दे रखा है कि पता क्या बच्चे डरते हैं इससे। मुझे बताओ आज कैश फ्लो खत्म करने के बाद आप इसे कितने बच्चे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम कैश फ्लो क्वेश्चन निकाल सकते हैं 10 मिनट के अंदर, कितने कॉन्फिडेंस से कह सकते हो आप कि 10 मिनट में निकल जाए, 10 मिनट में, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो सच्ची बोलता हूँ, आप देख लेना आपकी क्लास के अंदर बैठ के, कभी भगवान करे स्कूल खुले और आपकी क्लास में कंपटीशन स्टार्ट हो और आप बच्चे स्कूलों में जाओ, मैं चाहता हूं कि क्लास में कभी कभी आप जाओ, वो कंपटीशन हो, आप वहां पे बच्चों को करके दिखाओ। जब तक बच्चे लाइन लगाएंगे ना तब तक आप आंसर निकाल दोगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, गारंटी है। और ये भी ऐसे ही है, अब इसके अंदर आता हूँ कहाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट आएगा, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं कंफ्यूजन में जाना, अभी हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते, लेकिन आपको बात समझ में आ रही है ना क्या कर रहे हैं। शुरू से देखो मैं क्या क्या समझा, आप देख रहे हो ना कहीं कहीं सारी बात, तो ये कैसा हो गया कैश बुक और इसका नेचर, ये और ये बैलेंस शीट की तरह है, बैलेंस शीट में लिखना डिफरेंस है, रुको भी बताता हूँ डिफरेंस है इसमें, मालूम है क्या, इसमें भी लायबिलिटी और कैपिटल इस तरफ आती है, असेट उस तरफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ कैपिटल नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल फंड, याद रखना, इधर आप यहाँ पे आप कैपिटल की जगह क्या लिखोगे कैपिटल फंड, और बाकी लाइब्रेरीज तो सारी लिखोगे वो तो यही है, और इस तरफ पे सारे क्या आएंगे लोज, इतना याद रखो, यहाँ कैपिटल की जगह कैपिटल फंड लिखा जाएगा, अगर आपने कैपिटल लिख देना कैपिटल तो नंबर कट जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। फिर चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा, अभी बहुत कुछ जाना है, बहुत डेप्थ है अभी, इतना खत्म नहीं है चैप्टर, लेकिन अभी हम इसका छोटा छोटा एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है।
आपको तीन मेन अकाउंट पता रखे कैसे बनते हैं, बस एक तीन अकाउंट बनाने, चौथा कोई अकाउंट पूरे के पूरे चैप्टर में चौथा कोई अकाउंट बनाने के लिए नहीं आया। जो आएगा वर्किंग नोट आएगा, तीसरे अकाउंट के अलावा चौथा अकाउंट कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है जी, जो आप कुछ बताना भी पड़ा तो वर्किंग नोट छोटा मोटा बन सकता है, लेकिन अकाउंट तो ये तीन ही है और चैप्टर यही फिनिश होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले हार्डवेयर जाने से पहले छोटा सा अकाउंट करते हैं। ठीक है, आओ आओ स्टार्ट करें। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाता हूँ आपके लिए और आपसे कहूंगा कि आप बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम कैश बुक बनाते थे, कैश बुक बनाई ना आपने 11th क्लास में, कितनी सारी कैश बुक बनाई है आपने? व्हेनेवर यू रिसीव द कैश फ्रॉम समवन आप कहाँ रिकॉर्ड करते थे? और व्हेनेवर यू पे टू समवन, कभी आपने ऐसा सोचा कि पैसा कौन से साल का आया, कब आया, कहां से आया, कभी सोचा? बस जब भी पैसा आया आपने क्या किया, उसको डेबिट में डाल दिया। जब भी पैसा किया कहां डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया। लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करना गौर से, चले जाओ वापस 11th क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो मुझे बताओ, किसी भी साल के एक्सपेंस को आप डाल देते थे एक्सपेंस साइड में, किसी भी साल की इनकम को डालते थे इनकम साइड में, क्या करते थे? सिर्फ करंट ईयर यही करते थे ना। बस यही फंडा दिमाग में रखना, यही फंडा दिमाग में रखना। दो छोटे छोटे स्लोगन इस चैप्टर को समझने के लिए दिमाग में डाल देना, दो छोटी छोटी बातें इस चैप्टर को समझनी हो तो दिमाग में बिठा लेना। ऑल द रिसीट्स आर नॉट अ इनकम फॉर अ बिजनेस एंड ऑल द पेमेंट्स आर नॉट द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। याद रखना, जितना भी पैसा बिजनेस में आए वो बिजनेस की इनकम नहीं होती है, हो सकता है पिछला कुछ पैसा आया हो, और जो भी पैसा हम बिजनेस से पे करते हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, हो सकता है हमने किसी और चीज के लिए पे किया हो या एडवांस में पे किया हो। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये छोटी छोटी दो बातें दिमाग में रखना इस पूरे चैप्टर को करते हुए, और इसी के बेस पे बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसा ही बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए आप एक्सपेंस बुक करते थे सैलरी, और अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाती थी तो आप सैलरी में जाके ऐड करते थे और वहां पे लायबिलिटी साइड में दिखाते थे, करते थे कि नहीं करते थे? यहां भी वही काम करोगे, सेम एडजस्टमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, यहां भी वही काम करोगे। और याद है आपको, अगर आपने प्रीपेड कुछ एडवांस सैलरी पे कर दी तो क्या करते थे आप बताओ? सैलरी में से माइनस कर देते थे आप। क्यों करते थे ऐसा आप? क्योंकि वो एक्सपेंस इस साल का नहीं था, दैट एक्सपेंस वॉज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर। यू हैव पेड द मनी बट द एक्सपेंस वॉज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल द पेमेंट मेड बाय द कंपनी इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, ये तो मैं समझाना चाहता हूं। एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पैसा जो पे करती है वो जरूरी नहीं कि बिजनेस का एक्सपेंस हो, या एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा रिसीव करती है ऐसा जरूरी नहीं कि वो बिजनेस की इनकम हो। पैसा कहीं से भी आ सकता है, पैसा कहीं भी जा सकता है। हमें दिमाग में एक बात को ख्याल में रखना होता है कि हम जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th क्लास में बनाते थे या अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बस इस बात को दिमाग में रखना, वी ऑलवेज 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 वी बुक द एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, ओनली करंट ईयर। जो करंट ईयर के एक्सपेंस है वही एक्सपेंस साइड में जाएंगे, और जो करंट ईयर की इनकम है वही इनकम साइड में जाएंगे, उसके अलावा या तो माइनस हो जाएगा या तो प्लस हो जाएगा, जैसा आप करते आए। ठीक है जी, इस छोटे से फंडे को दिमाग में रख के चलोगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे आगे जाके टिपिकल वर्ड्स आएंगे। अभी तो बहुत छोटा काम करने वाले हैं, आगे जाके कुछ टिपिकल वर्ड्स आएंगे, लेकिन यही फंडा दिमाग में रखना, क्या? व्हाट एवर मनी रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज नॉट द इनकम फॉर द बिजनेस एंड व्हाट एवर मनी पेड बाय द बिजनेस इज नॉट द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है जी, इस बात को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी से आओ, चले बनाओ एक रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। एक रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बना लो ऐसे जैसे कैश बुक बनाते थे आप। इतने सारे वो कॉलम कुलम नहीं बनाएंगे, फोलियो फोलियो सब ड्रामेबाजी है ना, बड़े हो गया। लिखो रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा सॉरी, यहां डेबिट क्रेडिट मत लिखना, इधर लिखना रिसीव और इधर लिखना पेमेंट।
ये हमारे पास रेवेन्यू रिसीव्स, आठ लाख। रेवेन्यू रिसीव्स के अंदर कुछ एग्जांपल लिखे हो, जैसे कमीशन रिसीव्स, कमीशन रिसीव्ड है, उसके बाद रेंट रिसीव्ड है, सेल्स हैं, ये कुछ बातें इसके अंदर हैं, इसमें डाल लो। कमीशन रिसीव्ड है, रेंट है, सेल्स है, ये सारे पैसे आए हैं, और उसके बाद कुछ पैसा और आया जिसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, जिसके अंदर बैंक लोन है, कंपनी ने लोन लिया कुछ तब पैसा आया, उसके बाद कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स इश्यू किए, वहां से कुछ पैसा आया, वो कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है जी, कितना हो गया? 5 लाख। तो लो, 8 लाख हो गया ये और 5 लाख हो गया ये, टोटल रसीद आई 13 लाख की, टोटल रसीद हुई 13 लाख की। और इधर हमने पेमेंट की, लिखो बाय रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट के अंदर मान लो सैलरीज, रेंट और भी बहुत कुछ है, ईटीसी करके लिख दो। ये आई 2,40,000। फिर यहां आई बाय कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स होते जैसे मशीन परचेज, फर्नीचर परचेज, ये सारी पेमेंट हमने की, ये हो गई 3,60,000। और हमारे पास जो बच गया वो है बाय बैलेंस सीडी, मतलब कैश इन हैंड, कितना बच रहा है जी? ये हमारे पास बचा 7 लाख। ये छोटा सा रजिस्ट्रेशन पेमेंट्स अकाउंट है, और ऐसा ही बनता है रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट। कोई भी रसीट हो, चाहे वो कैपिटल रसीट हो, चाहे वो रेवेन्यू रसीट हो, इसमें आएगी। कोई भी पेमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो, चाहे कैपिटल पेमेंट हो, पेमेंट सेट में जाएगी। हम कैश बुक के अंदर कभी भी, आज याद रखो, कैश बुक 11 क्लास की याद करो, अगर आपको लिखा होता था मशीन परचेज फॉर ₹2 लाख पेइंग कैश, क्या करते थे आप? बाय मशीन दिखाते थे ना, करते थे? नहीं, याद करो। और फिर लिखा होता था गुड्स परचेज और ₹1 लाख वाइल पेइंग कैश, क्या करते थे आप? बाय परचेज अकाउंट। यानी चाहे हमने मशीन परचेज की, चाहे हमने गुड्स परचेज किए, बस पैसा गया, यही इसके अंदर है। इसमें भी ऐसा ही काम है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कभी बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन मैंने कहा ना, जैसे ये चैप्टर लॉन्च हुआ 12th क्लास के अंदर, पहली बार यही आ गया। और हमारी गलती ये थी कि हमने इसकी प्रैक्टिस भी नहीं की थी ज्यादा गौर से। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में याद रखना, इट इज 100% लाइक अ कैश बुक, वट एवर मनी। अच्छा, ऐसा अगर आप नहीं लिखना चाहते ना, रेवेन्यू रिसीट्स और ऐसे करके, इसमें नहीं, आप सीधा भी लिख सकते, जो कुछ भी पैसा आया इस तरफ, जो भी पैसा गया वो इस तरफ। ठीक है जी, अब ये आपको दिया हुआ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आपसे कहा प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बनाओ इससे। हाँ, प्रिपेयर करो, छोटा सा बनेगा, प्रिपेयर ये जो इतना मैंने आपको लेक्चर दिया उसके ऊपर आप ये बना के दिखाओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जल्दी से।
हाँ जी लो, ये बन रहा हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस साइड पे आती है इनकम, इस साइड पे आता है एक्सपेंडिचर। और ये बन रही है हमारे पास बैलेंस शीट। चलो लो, इससे अब हमें दो बनाने हैं, बनाओ फटाफट जल्दी से। सर्कस ही आएगा, दिख रहा है सर्कस पे है। लो करो फटाफट, बैलेंस शीट टैली कर जाएगी आपकी, टैली करके बैलेंस शीट। मैंने उल्टा कर दिया सर, क्या करवा रहे हो सर, पहले पेज बुकिंग करवा रही थी वो भी। अरे कोई बात नहीं भाई, फिर क्या हो गया यार, आपने कहा ना प्रॉफिट की तरह बनेंगे। वैसे बना रहा हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया गलती से। हाँ सर पता चल गया, कोई बात नहीं, हो जाता। 8 लाख में 2.40 निकालना कितना है, 5 लाख सरप्लस। यहां लिखो कैपिटल फंड 0, पांच लाख 60,000 में 5 लाख छोड़ा तो कितना आ गया, और इस साइड का टोटल भी। लो जी ऐसे बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसे बनती है बैलेंस शीट। यही हम सारे चैप्टर में करने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर के अंदर यही कहानी बार बार होने वाली है। अब सुनो मेरी बात, जो गौर करने वाली बात क्या थी, देखा आपने एक बात, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स और यहाँ रेवेन्यू पेमेंट्स दिखाते हैं। देख रहे हो आप, यानी जो भी हमने रेवेन्यू रिसीट्स की या रेवेन्यू पेमेंट्स की वही हम दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वही दिखाते थे ना। जो कुछ भी आपने क्या किया रेवेन्यू रिसीट्स की या रेवेन्यू पेमेंट की वही आप इसके अंदर दिखाते हो। और हाँ, जो भी आपकी कैपिटल रिसीट्स होती हैं या कैपिटल पेमेंट्स होती हैं वो आप कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट के अंदर। यही काम सारे 11th क्लास में आप करते रहे, अगर आपने कभी गौर ना किया तो अभी गौर फरमाना। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है मालूम है, बैंक लोन, किसी से लोन लिया जाए तो वो कैपिटल रिसीट्स है, पैसा आता है उसके अंदर, नो डाउट पैसा आया, लेकिन लोन हमें वापस करना पड़ता है, जिसे आप लायबिलिटी कहते थे, लायबिलिटी जिसे आप 11th क्लास में लायबिलिटी कहते हो, ये बेसिकली लायबिलिटी है। जो कैपिटल रिसीट्स है बेसिकली वो कंपनी की सिर्फ एक लायबिलिटी है, ये बाद में वापस करना पड़ेगा बैंक लोन। मैंने लिखा था ये देखो, बैंक लोन या डिबेंचर्स इश्यू, ये सब पैसा लायबिलिटी है, ये पैसा वापस करना पड़ेगा, इसी को हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं, ठीक है जी। और जो कैपिटल पेमेंट होती है वो बेसिकली हमारे असेट्स होते हैं। व्हेन एवर वी परचेज अ मशीन इट्स अ कैपिटल पेमेंट, व्हेन एवर वी बाय अ फर्नीचर इट्स अ कैपिटल पेमेंट, व्हेन एवर वी बाय अ बिल्डिंग इट्स अ कैपिटल पेमेंट, तो हम उनको असेट्स बोलते हैं। जो भी एक कंपनी कैपिटल पेमेंट पे पैसा खर्च करती है वो कंपनी के असेट्स होते हैं, और जो भी एक कंपनी कैपिटल रिसीट्स पर पैसा लेके आती है वो कंपनी की लायबिलिटीज होती है, ठीक है। या आगे कैपिटल रिसीट्स के अंदर लायबिलिटीज, या आगे कैपिटल पेमेंट मतलब असेट्स,
और फिर उसके बाद आ गया कैश इन हैंड। आपको मालूम है कैश इन हैंड असेट साइड में आता है, बचा हुआ कैश इन हैंड ये रहा, और यहाँ निकाल आया सरप्लस, क्योंकि कैपिटल फंड जीरो था तो सरप्लस ऐड हो गया, आपकी बैलेंस शीट टैली कर दी। यही काम आप पूरे चैप्टर में करते रहोगे, पूरे चैप्टर में आप यही काम करोगे, बस ये अकाउंट आपको गिवन रहेगा और बोला जाएगा दो अकाउंट बनाओ। सर इतना आसान होगा? हाँ इतना ही आसान होगा, बस कुछ नए नए आइटम आपको आ जाएंगे। जैसे मान लो अभी तो आपने सुना होगा रेंट, सैलरीज, कमीशन रिसीव, ये आइटम आपने सुने होंगे, या आप तो आपको 11th क्लास सुनते आ रहे हो, आप 12th क्लास में सुन रहे हो, लेकिन कुछ नई नई बातें आ जाएंगी, जैसे डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंडोमेंट फंड, होनोरेरियम, हाँ कुछ नए नाम आएंगे, कुछ नए नाम आ जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे थोड़े से, कुछ या पेमेंट ऑफ होनोरेरियम ऐसे करके नाम आएगा, है ना। फिर आएगा होनोरेरियम है, सही बोल रहा हूँ, यही वर्ड है। उसके बाद कुछ आ जाएगा एंडोमेंट फंड के नाम से, कुछ आ जाएगा एंट्रेंस फीस जो आपने आज तक नहीं सुनी, लाइफ मेंबरशिप फीस आपने आज तक नाम नहीं सुना, आपने सब्सक्रिप्शन का नाम आज तक नहीं सुना, है ना। ये कुछ नई बातें आ जाएंगी, कुछ नए वर्ड्स होंगे, सुनो एक मिनट रुको, कुछ नए वर्ड्स होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि उनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाला जाए या उनको बैलेंस शीट में डाला जाए। जब तक नॉर्मल बातें आप करते आ रहे हो, रेंट हुआ, सैलरीज हुई, कमीशन हुआ, ये सब बातें, मशीन परचेज हुआ, बिल्डिंग परचेज, ये आपको मालूम है, बैंक लोन हुआ, ये आपको मालूम है कौन सी चीज कहाँ जानी है, ये 11th क्लास से आपको मालूम है। बैंक लोन है, अगर बैंक लोन लिया है तो कहाँ जाएगा बता, बैंक लोन कहाँ जाएगा, है ना। अगर मशीन परचेज किया तो कहाँ जाएगी बता, कमीशन पेड किया तो कहाँ जाएगा, कमीशन रिसीव किया तो, सैलरी पेड किया तो, वेजेस पेड किए तो, सब मालूम है ना आपको इन बातों का, छोटी बातों का। ये तो आप 11th क्लास से करते आ रहे हो, मैंने कहा ना नए नाम, कुछ नए नाम ऐसे हैं, कुछ नए नाम आपको इस चैप्टर में दिखेंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करें, आगे बढ़ने से पहले उन नामों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है जी। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन से आइटम को कहाँ डाला जाएगा, आप कैसे डिसाइड करोगे कि हम उसे इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दें या उसे बैलेंस शीट में डाल दें, ये कैसे आप डिसाइड करोगे, तो कुछ नामों के बारे में पढ़ते हैं। आज आप थोड़ा सा पढ़ के देखें, लिखे आज जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते थे तो उसमें जो भी प्रॉफिट आया वो हम जिससे भी करते पार्टनर तो हमारी लाइब्रेटी होगी, यहाँ पे आपने बताया वो लाइब्रेटी नहीं होती थी, प्रॉफिट लाइब्रेटी नहीं होती थी, इट वॉज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स वी वेयर शोइंग इन द लाइब्रेटी साइड। देखो सुनो इधर एक मिनट गौर से, उसी प्रॉफिट को लाइब्रेटी साइड में दिखाया जाता था जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। कितना बड़ा चैप्टर पढ़ के आए हम, पूरे के पूरे चैप्टर, कितनी बार लाइब्रेटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस लिखा हुआ आया और हमने क्या किया, उसको पार्टनर्स में बांट दिया, और जब इस साइड लिखा है तो क्या किया हमने, पार्टनर से ले लिया, किया ना हमने ये काम, वो लाइब्रेटी नहीं होती थी। हर चीज जो लाइब्रेटी साइड में लिखी जाती है वो लाइब्रेटी नहीं होती है, वो इसलिए लाइब्रेटी साइड में लिखी गई क्योंकि अभी तक उस प्रॉफिट को बांटा नहीं गया, और जब हमने उस प्रॉफिट को बांट दिया, सोचो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में बांट दिया, क्या उसके बाद भी आपने बैलेंस शीट में दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या किया, सीधा कैपिटल में घुसेड़ दिया ना, और वहां से सीधा कहां आगे कैपिटल में बैलेंस में ऐड हो गया। तो हम उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, हम उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस शीट में यहाँ दिखाते हैं, उस प्रॉफिट को जो प्रॉफिट अभी तक बटा नहीं, जो सरप्लस है सरप्लस वो डिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं होगा, इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर्स, ये ना तो किसी में बढ़ता है और ना ही किसी को इसका हिस्सा मिलता है, ये कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा और उससे उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी एनपीओ है, उसका कैपिटल फंड इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये किसी एक आदमी की, इसका कोई एक मालिक नहीं है, ये किसी की भी नहीं है, इसका कोई एक मालिक नहीं, इसके कोई 10 मालिक नहीं, इसके कोई पार्टनर्स नहीं, ये इसका कोई ऑनर नहीं है, कोई भी इस पैसे को क्लेम नहीं कर सकता कैपिटल फंड में, ये बोर्ड की है, ये ट्रस्टी है, ये पूरे ट्रस्ट की है, ये पैसा लेके कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। अगर कल को इस पैसे पे क्लेम कर दे कि ये पैसा मेरा है, ये गुरुद्वारा मैंने खड़ा किया था, उसको ये पैसा नहीं मिल सकता, चाहे वो कोर्ट में चला जाए,
बाय कोर्ट बाय लॉ भी उस पैसे को ले नहीं सकता। ये पैसा किसी का भी नहीं है, ये पैसा किसका है? ये ट्रस्ट का पैसा है, उस एनपीओ का पैसा है, ये उसी के काम में काम आएगा, ये किसी को बटेगा नहीं कभी भी। इस पैसे में से बिल्डिंग बनाई जा सकती है, इस पैसे के अंदर से भंडारा करवाया जा सकता है, इस पैसे के अंदर से लंगर लगाए जा सकते हैं, इस पैसे के अंदर से कोरोना वायरस आ जाए तो लोगों को फ्री खाना खिलाया जा सकता है, लेकिन इस पैसे को ऑनर्स के बीच मतलब ट्रस्टीज के बीच में या मेंबर्स के बीच में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है जी, तो जो भी सरप्लस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, सरप्लस हुआ, जो भी सरप्लस हुआ वो सरप्लस कैपिटल फंड में प्लस कर दिया गया। अगर डेफिसिट होता तो क्या कर देते? माइनस कर देते। डेफिसिट भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार हमारे जो खर्चे हैं वो कम हो और इनकम ज्यादा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इनकम कम रह गई और खर्चे ज्यादा हो। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट साल के लास्ट में बनाते हैं, इसको भी साल के लास्ट में बनाया जाएगा तो पता लगेगा हमारे खर्चे कितने हुए और हमारी इनकम कितनी हुई। बस इतना सा काम है। ठीक है जी, आप आगे बढ़े थोड़ा सा और कुछ नए अच्छे नामों के बारे में पढ़ते हैं जो नाम आपको डिस्टर्ब करेंगे, जो नाम आपको इस चैप्टर में डिस्टर्ब करेंगे। वो 5-7 नाम है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है कि सर 50 नाम है, आप हमें 7 करवा दोगे, पेपर में 8वां आ जाएगा, हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। जो आपको करवाऊंगा उसके आगे नहीं आता ना पेपर में, वही लिमिट है साहब, लेकिन वहां तक की लिमिट है भाई। लेकिन आगे जब बढ़ोगे, बड़े हो जाओगे तो फिर आएगा, फिर और भी नाम ऐड होंगे। आ जाओ, लिखो ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम्स, ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम्स। सर आप तुक्का लगवा रहे हो ना, तुक्का भी हमारे को 5-7 नाम याद करवा रहे हो और बाद में भरोगे फिर 8वां नाम आया पेपर में, चलो अब तुम तुक्का लगा लो कहा जाएगा? ऐसा नहीं होगा, यही नाम आएंगे। तो लिखो ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम्स में पहला आइटम डोनेशन, सबसे पहला आइटम है डोनेशन। देखो डोनेशन के अंदर दो कहानियां हो सकती हैं, डोनेशन में दो कहानियां होंगी, एक डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और दूसरा डोनेशन फॉर जनरल पर्पस। देखो सुनो, पता क्या होता है, कभी आप मंदिर गए हो? अरे कभी तो गए होगे यार, कभी तो ऐसे कभी मंदिर में बैठे आप, मतलब जाना हो तो मैं भी जाता हूँ लंगर के लिए, नहीं लंगर के टाइम पे मैं भी जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन मतलब आप कभी जाके बैठे हो वहां, कभी गुरुद्वारे में जाके सुनिए जो उनकी वो जो कहानी सुनाते हैं, वो कितना पैसे इकट्ठा हुआ और सब कहानी बताते ना वो। अच्छा कभी सुना होगा आपने पंडित जी को कहते हुए या गुरुद्वारे की भाई जी कहते हुए कि एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग का एक्सटेंशन काम चल रहा है, उसके लिए दान दो। लोगों से दान मांगा जाता है ना, अनाउंस करके मांगा जाता है भाई, और पैसा कहां से आएगा? गुरुद्वारे में पैसा ऊपर से थोड़ी गिरेगा, तो लोग देंगे तो बस उस हिसाब से बन जाएगा, है ना। तो फिर सुनो, इधर देखो, जब कभी भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दी जाएगी, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन या डोनेशन फॉर न्यू बिल्डिंग, मान लो गुरुद्वारे की नई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए पैसा मांगा जा रहा है और आप उसके लिए पैसा दे रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देखो साफ साफ बोल रहा हूं स्पेसिफिक पर्पस। सर जनरल पर्पस क्या होता है? अरे आप जब कभी गुरुद्वारे मंदिर जाते हो तो 1 रुपए का सिक्का निकालते हो, सबसे पुराने वाला छोटे वाला, और आप ऐसे डालते हो, टक करके माथा टेक देते हो। सुना आपने कभी, देखा कभी आपने उसकी पर्ची ली, कभी पर्ची दी किसी ने? दैट इज जनरल पर्पस। वो आपने भी एक डाला, मेरे जैसे आदमी ने 25 पैसे डाले, 8 आने डाले, हम सबने डाले उसके अंदर, जो बिलंग लगी थी, और वो पता है उस पैसे को इकट्ठा किया गया और बाद में लंगर लगवा दिया गया या भंडारा करवा दिया गया। ठीक है जी, बाद में लंगर लगा दिया गया या भंडारा करवा दिया गया, लेकिन वो डोनेशन होती है डोनेशन फॉर जनरल पर्पस। दैट इज अ डोनेशन फॉर जनरल पर्पस। साफ साफ समझ में आएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा सर गैस करवाए क्या, सिक्का चलना पड़ेगा ना, क्लियरली लिखा है स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। सिक्के छागर कोई काम नहीं करूंगा, यहां साफ लिखा होगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग या डोनेशन फॉर एक्सपेंशन, तो साफ पता लग रहा है
कि बिल्डिंग का छत डलने वाला है या बिल्डिंग के ऊपर एक और माला डलने वाला है, उसके लिए पैसा चाहिए। और गुरुद्वारे में और मंदिर में पैसा ऐसे ही बोल के लिया जाता है, भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनानी है, बहुत ऊंची मूर्ति बनानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। इट्स अ स्पेसिफिक पर्पस। आप सुन के देखो, आपने सुना भी होगा ऐसा बोलते हुए कि भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल डोनेशन आप देते हो, वो शिवरात्रि वाले दिन या वो क्या बोलते हैं उसको, जन्माष्टमी वाले दिन जब हम कृष्ण जी को झूला झुलाने जाते हैं और आप 1 रुपए का दानवा देते हो और बोलते हैं भले बच्चे का, अच्छा 5 रुपए का, 10 रुपए का, देखो 10 के ऊपर तो मैंने भी नहीं दिया, नहीं बोला है, नहीं सुनो ये बात गलत है। मैं जब भी टेम्पल गुजारे क्या हूँ, मैं 1 रुपए से या 5 रुपए के बीच में जो है वो इधर ही मैडम मुझे इधर ही देती है, जब मैं पूछ रहा हूँ माता देख रही तो वो मुझे 5 का सिक्का देती है, और कभी कभी तो मुझे वो 1 का सिक्का देती है, 1 का सिक्का देती है, बोली टेक दो, जो मेरे हाथ में देती है मैं टेक देता हूँ। अरे आप मेरी बात सुनो, किसको दे रहे हो भाई, किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो, जिसने सब कुछ दिया आप उसको दे रहे हो वापस। हमारी क्या औकात है भगवान को 1 रुपया दान दे सके, यहाँ कोई बात नहीं। इसीलिए जब हम भगवान को पैसा चलाते हैं तो वो उसको एक्चुअली हम भगवान को डीमोरलाइज कर रहे हैं, उसको ये बताना चाहते हैं कि भैया देख वी हैव मनी यू डोंट हैव मनी, अरे उसी ने सब कुछ दिया है भाई, तो उसको वापस, जिसने सब कुछ दिया। अब बता क्या बात हुई, तो देखो क्या बात हुई, पापा ने कहा बच्चे से, बेटा मेरे को 2000 रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे आज ही आदमी पैसा चाहिए। बेटा गया बाहर घूम के वापस आया शाम को, बोलता पापा के पास 4000 है, क्या किए, बहुत अर्जेंट चाहिए, तो पापा ने 4000 दे दिए, क्योंकि पापा बड़े, बच्चा छोटा है, और बेटे ने उसमें से 4000 में 2000 पापा को दिया, बोला ये लो अपने 2000 जो आप मांग रहे थे सुबह, ये वाला काम कर रहे हैं हम लोग। अब सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फादर ने अपने बेटे से पैसे मांगे सुबह, कितने मांगे 2000, और बेटा गया बाहर घूमने, घर से बाहर गया और शाम को अर्जेंट में आया एकदम, और आके बोला पापा को, पापा मुझे 4000 रुपए की सख्त जरूरत है, अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट। एक मिनट, तो अभी तक 2000 दिए थे, अरे रुको यार, सुनो बात सुनने रही है, अरे समझदार थी उसको, पहले पैसे मांगे थे पापा ने, किसने मांगे थे, पापा ने पैसे मांगे थे बेटे से, अब बेटा आया और पापा से पैसे मांगता, क्या बोलता है, पापा आप छोड़ो अपने पैसे, मुझे 4000 अर्जेंट चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। और पापा ने कहीं छोटे से माल के पैसे रखे थे कहीं पे, और वहां से पैसे निकाले और 4000 बच्चे के हाथ में रख दिए, और बच्चे ने क्या किया, उस 4000 को लेने के बाद आया वापस और बोलता है ये पकड़ो अपने 2000 सुबह मांग रहे। तो हम वही काम भगवान के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम पापा से पैसे लेके पापा को ही पापा के पैसे से वापस मोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है भाई, ये गलत। 1 रुपए का सिक्का देखते हैं, 5 रुपए का सिक्का देखते हैं, 10 रुपए सिक्का देखते हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है, उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है, उसे श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा। तो ये लो, तो स्पेसिफिक पर्पस है तो क्या होगा, सुरेंद्र आप सुनो, अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो ये मतलब क्या है, इट्स अ कैपिटल रिसीट। अब सारी और भूलना मत, अब सुन लो इधर, अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो क्या है, कैपिटल सी, और अगर जनरल पर्पस है तो क्या है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन कहां जाएगा, ये वालों को कहां जाएगा, कहा बैलेंस शीट में, कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड, और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा, ठीक है जी। अब आप लिख लेना नीचे अपने आप से, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, इट विल गो इन बैलेंस शीट और इट विल गो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक वर्ड आएगा डोनेशन। अच्छा सर, अगर सिर्फ डोनेशन दिया हो और कुछ भी ना दिया हो, ना स्पेसिफिक पर्पस ना जनरल पर्पस, ऐसा आ जाए तो क्या करें, तो फिर सुनो उसको जनरल पर्पस मान लेंगे। लिख लो, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप रहा और कुछ भी नहीं कहा, देन वी विल टेक इट एज ए जनरल पर्पस। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा और क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो फिर कहा चला जाएगा, और जनरल पर्पस कहा जाता है जी। चलो आ जाओ अगला देखते हैं, नेक्स्ट। ये हो गया पहला आइटम, ज्यादा आइटम नहीं। दूसरा सब्सक्रिप्शन,
ये चैप्टर की जान है, मालूम है आपको, ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड इस चैप्टर की जान है, सब्सक्रिप्शन। ये वर्ड कहीं पढ़ा था आपने, बताओ कहाँ? लास्ट ईयर भी पढ़ा, लास्ट ईयर अकाउंट्स में सब्सक्रिप्शन ना ना, बहुत बार पढ़ा आपने, नहीं याद आ रहा? चलो मुझे भी नहीं आ रहा, छोड़ो ये देखो। आ जाओ, आ रहा है बात हूँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को। इधर देखो, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन मालूम है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है मालूम है? इसको हिंदी में बोलते हैं चंदा, चंदा चंदा देना, दान देना, मतलब डोनेशन ना बोल के चंदा बोला। इसे हम क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन मैंने चंदा तो ना भैया, पर्ची कटा दो, चंदा लेने आए हैं। देखा आपने कई बार घर पे आते ना, ऐसे खड़काते हैं तो बोला पर्ची कटवाओ, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या करेंगे वो लंगर करवाएंगे और मतलब है तो ऐसा कुछ करते हैं ना, है ना, ऐसा होता। मैं तो भैया जहाँ मैंने चंदा दे दिया ना, जहाँ दे दिया वहाँ पे लंगर पक्का था, क्या था सीधी हो जाए, क्योंकि सुनो ना पता भी तो लगे मुझे है, वहां नहीं जाता, जहाँ पता लगे, जहाँ देर 10 रुपए देने होते हैं उसमें 10 रुपए की आदमी खा सकता, और पता लगे और हाँ ये ईमानदारी मेरी, अगर मैंने 10 रुपए दिए तो घर का एक ही मेंबर जाएगा और 20 दिन 2 जाएंगे, ये बात पक्की है। 10 रुपए अगर मैंने 10 रुपए चंदा दिया तो 1 प्लेट चावल की कड़ी की खा के आनी, अगर 20 रुपए दिए तो 2 लोग जाएंगे और खा के आएंगे, लेकिन ये पता तो लगे अगले ने कैसे बनाया, टेस्ट कैसा बनाया, टेस्ट भी तो करना चाहिए कि नहीं। तो ये और हाँ, ये जो मंदिर गुरुद्वारे के अंदर लंगर लगता है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है आप वो फ्री के खाने की बात नहीं होती, इसके अंदर ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है, इसको जितना खा लो उतना अच्छा है। प्रसाद थोड़ा भी हो ना फिर भी चलता है। मेरी बात सुनो, प्रसाद जितना भी खा लो उतना अच्छा है। तो ये सब्सक्रिप्शन जो है, हमेशा सब्सक्रिप्शन जो है ये एक एनपीओ की मेन इनकम सोर्स है, मैंने लिखवाया आपको नोट्स में, याद है, ये एनपीओ का मेन इनकम सोर्स है। एक एनपीओ के अंदर चंदा ही सबसे बड़ी इनकम का सोर्स है, वो कोई बिजनेस नहीं करते हैं, गुरुद्वारे के अंदर चंदा, मंदिर में चंदा, स्कूलों में चंदा ही चलता है, जगह डोनेशन और चंदा यही चलते हैं। तो ये जो है ना, ये हमेशा कहां जाएगा मालूम, ये हमेशा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। क्या ये रेवेन्यू रिसीट, इसमें कुछ दो तरह का सेक्टर नहीं है, लिखो सीधा सीधा इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, ये रेवेन्यू रिसीट है, और ये कहां जाएगा जी सीधा? लो, ये दूसरा आइटम था, आइटम नंबर 2, जो आपको इस चैप्टर के अंदर दिमाग में रखना है। आ जाओ तीसरा, एंडोमेंट फंड। ये पता है क्या होता है? ये एक तरह से गिफ्ट होता है, गिफ्ट। आप जब फॉरेन में चले जाओगे ना, बाहर चले जाओ फॉरेन में, आप जब फॉरेन में चले जाते हो ना, फॉरेन में जाके बहुत पैसा कमाते हो, फिर आप दान देना चाहते हो भगवान को, गिफ्ट देना चाहते हो किसी बड़े काम के लिए, उसे कहते हैं एंडोमेंट फंड। इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट गिवन टू आर ऑर्गेनाइजेशन बाय समवन फॉर एक्सपेंशन। कुछ भी नया काम चल रहा है, मान लो कि कोई नई बिल्डिंग बन रही है, या मान लो कोई नया काम हो रहा है गुरुद्वारे के अंदर या मंदिर के अंदर या स्कूल के अंदर, और आप दान देना चाहते हो, इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट। ठीक है, तो आप लिख लो इसके बारे में, एंडोमेंट फंड होता क्या है। ये कभी भी पेपर में आता है, इसकी डेफिनेशन पेपर में आती है, लिखनी जरूरी है। तो लिखो, इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट, कॉमा, द इनकम ऑफ विच, द इनकम ऑफ विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, द इनकम ऑफ विच इज यूज फॉर अ, मुझे बताओ स्पेसिफिक पर्पस वर्ड आया है, तो अब ये कहां जाएगा? Asset balance sheet.
बैलेंस शीट इज अ कैपिटल रिसीट, ये कैपिटल रिसीट है। और ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है सर। ये हो गया आइटम नंबर 3। और फिर आओ देखे आगे। हाँ एक और लिखो बस, इसके बाद हम बंद कर दें। लेगेसी बोलते हैं इसको, लेगेसी है ना, लेगेसी। लेगेसी मैंने होता है वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं लेगेसी को, मतलब क्या होता है, अरे यार वो क्या, वो तुम मर जाए तो फिर उसके बाद उसकी वो जदाद का वारिस जो होता है, विल 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 बोले, विल बाप विल बोलते हैं ना क्या, वसीयत, वसीयत हिंदी में बोले वसीयत है ना, वसीयत लिखो। यस वसीयत कैसे लिखेंगे, वसीयत पता नहीं बड़ी आप ही मात्रा ठीक कर रहे हैं, बढ़िया की छोटी आएगी, छोटी आएगी, पक्की बात है ये, हाँ हिंदी में तो पढ़ रही है अभी, वसीयत में छोटी आएगी बड़ी आएगी। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो मेरी बात, एक मिनट रुको सुनो। वसीयत जो होती है ना, वसीयत इधर, वसीयत वसीयत कभी भी छोटा अमाउंट नहीं होती, कौन बुला लो, वसीयत जो होती है वसीयत वो कभी भी छोटा अमाउंट नहीं होती भाई। और वसीयत जो है ना, वसीयत आप किसी को भी, किसी को भी अपने मरने के बाद वसीयत के अंदर दो कुर्सियां तो देके नहीं जाओगे। वसीयत जो होती है वो कभी भी छोटा अमाउंट नहीं होती, वसीयत बड़ा अमाउंट होती है। आप जब मरता है, कोई इंसान मरेगा तो अपने आने वाले पुश्तों को, आगे वाले लोगों को वसीयत में बड़ा कुछ देके जाएगा। वसीयत जो है वो हमेशा कैपिटल रिसीट मानी जाती है, और ये हमेशा कहां जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। देखो आप वसीयत जो है वो कहां जाएगी हमेशा, ये कैपिटल रिसीट है, और ये हमेशा कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। बस लास्ट आइटम, और फिर हम इसको बंधक बंद करें, 3 आइटम और रह गए इसके बाद, फिर कल पेट में जाता था, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज। एक लिखो पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, मैं लिखो पेमेंट, होनोरेरियम, एच ओ एन ओ आर ए आर आई यू एम, होनोरेरियम। भले में होनोरेरियम के नाम पे पूछा जाता है कि नंबर पे व्हाट डू यू मीन बाय होनोरेरियम, मजाक में मत लेना इसको, ये एक नंबर का क्वेश्चन है होनोरेरियम। भले में होनोरेरियम क्या होता है, देखो बताता हूँ क्या होता है। आप कभी गुरुद्वारे में गए ना, लंगर के दिनों में गए आप, जब लंगर हो मैं पक्का जाता हूँ आपको मालूम है। अब सुनो इधर, देखो क्या होता है, सुनो। वैसे ना गुरुद्वारे में सेवादार होते हैं जो अक्सर सेवा करते रहते हैं, रोज का काम होता है उनका, झाड़ू पोछा ये सब, और वो पैसे नहीं लेते, वो फ्री में काम करते हैं ना। लेकिन जब कभी लंगर होता है या कभी कोई बड़ा फंक्शन होता है तो कुछ लोगों को हायर कर लिया जाता है, कुछ लोगों को हायर कर टेम्परेरी बेस पे हायर कर लिया जाता है, भैया तुम जरा चपाती में हाथ लगवा दो, थोड़ा सा सब्जी ज्यादा बनवा दो, कोई सैलेड कटवा दो, ऐसे काम करने के लिए हायर कर लिया जाता है। तो व्हेनेवर वी हायर समवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब छोटे मोटे स्पेसिफिक जॉब के लिए, लेकिन वो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर किसी लोगों को हायर कर ले, जैसे वेजेस नहीं कहते कैजुअल लेबर को, कैजुअल लेबर वो हम पीओ में क्या बोलते हैं उसको, कैजुअल लेबर। तो बस एनपीओ में जो कैजुअल लेबर है ना उसका नाम है होनोरेरियम। व्हेन वी हायर पीपल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड वी पे देम सम लिटिल अमाउंट इज कॉल्ड होनोरेरियम। अब लिख लेना ये, कि पेपर में आएगा एक नंबर, कितना बोलना बाद में भूल गए थे, अब लिख लो है ना। होनोरेरियम मतलब When we hire people, जब भी हम लोगों को हायर करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक जॉब फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये छोटा अमाउंट है छोटे टाइम के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए है, ये हमेशा कहां जाएगा मालूम, ये हमेशा जाएगा रेवेन्यू पेमेंट, और ये कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड होनोरेरियम। होनोरेरियम जो है आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होनोरेरियम। बस यहीं पे बंद करेंगे, कल 3 आइटम और हैं,
और उसके बाद फिर हम तीन आइटम और खत्म करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इसके क्वेश्चंस को चलेंगे, कुछ पढ़ के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया आज के लिए, आप इसको रिवाइज कर लेना साथ के साथ, ताकि जब कल आप आओ तो एटलीस्ट आप जो है कुछ आपको मालूम हो क्या कर रहे हैं।